Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना है। अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नरगिस ज़ुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने मज़ीद 27 जिंदगियों का खात्मा कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 979 नए मरीजों का इजाफा हो गया। कौमी असम्बली में बिलावल और शाह महमूद के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी सरकारी वोटों से अपोजिशन लीडर बने हैं। पाकिस्तान जुडिशल एक्टिविज्म के हाथों अरबों डॉलर के नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं टिकटॉक को बैन करने और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पढ़कर सर चकरा गया। 12 साल कोह पैमा सलीना ख्वाजा का ब्रॉड पीक सर करने का अजम। सलीना ख्वाजा कहती हैं मैं दुनिया को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हूँ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, ना ऑयली, ना स्टिकी, ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कोरोना वायरस से 27 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,281 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,57,371 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 979 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,46,180, सिंध में 3,37,052, खैबर पख्तूनख्वा में 1,37,951, बलूचिस्तान में 27,145, गिलगित बल्तिस्तान में 6,098, इस्लामाबाद में 82,652, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,293 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,45,84,485 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,062 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,03,484 मरीज सेहत याब हो चुके हैं, जबकि 1,871 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 27 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 22,281 हो गई। पंजाब में 10,747, सिंध में 5,440, खैबर पख्तूनख्वा में 4,316, इस्लामाबाद में 777, बलूचिस्तान में 308, गिलगित बल्तिस्तान में 111 और आज़ाद कश्मीर में 582 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दूसरे के माजी के हवाले से जुमले कसे। बिलावल भुट्टो बोले शाह महमूद को अगली बारी फिर जरदारी कहते सुना। शाह महमूद ने बिलावल को कहा अभी बच्चे हो, तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दूसरे के माजी के हवाले से जुमले कसे। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौम के 172 नुमाइंदों ने बजट के हक में वोट दिया, वोट को बिल्कुल इज्जत देनी चाहिए। अपोजिशन की तरह हुकूमत वाले भी वोट लेकर आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूल्स की बात की। रूल्स के मुताबिक स्पीकर की ज़ात पर हमला नहीं किया जा सकता। स्पीकर से इख्तलाफ हो सकता है, मगर चैम्बर में जाकर बात होती है। एक साबिक वजीर आजम सबके सामने स्पीकर को धमकी देता है। सिंध में अपोजिशन लीडर को तकरीर करने का मौका ना दिया। सिंध का वजीर खजाना बजट बहस समेटे बगैर चला गया। क्या सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से है? ये आईना दिखाते हैं, देखते नहीं हैं। शोर शराबे और गुलगपाड़े से हमें दबाया नहीं जा सकता। अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल और शहबाज भी नहीं बोलेंगे। क्या एक साबिक वजीर आजम मुल्क का जब स्पीकर को धमकी देता है और वो अल्फाज में रिपीट नहीं करना चाहता जो अल्फाज उनने कहे थे जब वो स्पीकर की इज्जत कर रहा है? मैं आज कहना चाहता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पार्लिमानी रिवायात। मैं आज पूछना चाहता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से
कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं आप? सिंध में जहां आपकी हुकूमत है, आपकी एक शरीयत है, आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर करने का मौका न दिया, यह पार्लिमानी रिवायत है। सुन ले, कान खोल के सुन ले, अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा, शबाज भी नहीं बोलेगा। शाह महमूद कुरैशी के जवाब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने धुआंधार तकरीर करते हुए कहा, मुल्तान के वजीर ने मेरा बार बार नाम लिया लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं कि ये किस शख्सियत के मालिक हैं और बहुत जल्द वजीर आजम इमरान खान को भी पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। उनका नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मैं उनको कोई अहमियत नहीं देता और उनकी मेरे सामने कोई हैसियत नहीं। ये वो शख्स है जिसने कश्मीर का सौदा किया, ये वही मुल्तान के वजीर है जिनको जीए भुट्टो का नारा लगाते देखा, इसी वजीर को अगली बारी फिर जरदारी कहते देखा, यही वजीर पीपल्स पार्टी पंजाब का सदर रहा। खान साहब नहीं समझ सकेंगे ये क्या चीज है लेकिन इनको पता चल जाएगा ये इस हुकूमत के लिए खतरा बनने वाले हैं। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। नहीं जनाब स्पीकर, आपने उसको दो दफा सुना। नहीं, अब उसने बार बार मेरा नाम लिया, मैं तो उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसको इतना अहमियत नहीं देता हूँ। बिलावल भुट्टो के जवाब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैं भी बिलावल को उस वक्त से जानता हूँ जब ये छोटे से बच्चे थे, जब हम बात करते थे तो ये खिड़की पर खड़े होकर खुश हुआ करते थे, आज इस बच्चे को तकरीरें लिख कर दी जाती हैं और वो भी पढ़ कर सुना देते हैं। मैं बिलावल के पापा को भी जानता हूँ कि वो क्या चीज़ है। पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल मैं भी इनको जानता हूं जब ये इतने से थे, इतने से जब कोने में खड़े होते थे और खिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं, मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। आपने वफाकी वजीर इत्तला'आत व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि अदालती असलाहत ना की गई तो मुल्क इकतसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर इत्तला'आत व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि कल से टिकटॉक को बैन करने और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पढ़कर सर चकरा गया कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने जारी किए गए एक बयान में कहा कि अदालती इस्तेहात ना की गई तो मुल्क इकतसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ही ये मुल्क ऐसे जुडिशियल इक्विटिज्म के हाथों अरबों डॉलर के नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। कबल अजी एक और ट्विटर बयान में वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का कहना था कि कनाडा में चंद हफ्ते कबल एक पाकिस्तानी फैमिली को नस्ल परस्ताना हमले में शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि अब दोबारा सिस्कर्टोन शहर में एक और शहरी काशिफ पर इंतहा पसंदों ने खंजरों से हमला किया है। मगरबी माशरे में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश है। वफाकी वजीर इत्तला'आत व नशरियात फवाद चौधरी का ये भी कहना है कि उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। 9 साल की उम्र में दुनिया की तीसरी 6050 मीटर बुलंद तरीन चोटी मंगली को सर करके आलमी रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली एबटाबाद की 12 साल कोह पेमा सलीना ख्वाजा ने कहा कि आलूदगी के बायस माहौल तबाह हो चुका है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली 12 साल की कोह पैमा सेलिना ख्वाजा स्कर्दू पहुंच गई। सेलिना 8047 मीटर बुलंद ब्रॉड पैक सर करने का अजम रखती हैं। सेलिना ख्वाजा का कहना है कि आलूदगी के बायस माहौल तबाह हो चुका है, मैं दुनिया को बचाने में अपना किरदार अदा करना चाहती हूं। ख्याल रहे कि सेलिना ने 2019 में मुश्किल तरीन 7027 मीटर बुलंद चोटी स्पुटनिक सर करके नया आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया था। सेलिना ने यह रिकॉर्ड 10 साल की उम्र में कायम किया था। सेलिना ने 9 साल की उम्र में दुनिया की तीसरी 6050 मीटर बुलंद तरीन चोटी मंगली को सर करके आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया था। सेलिना ख्वाजा 5765 मीटर बुलंद कूजा सर चोटी भी सर करके आलमी रिकॉर्ड बना चुकी हैं। कम उम्र कोह पैमा सेलिना ख्वाजा की तबीयत उनके वालिद ने खुद की है। उन्होंने अपनी बेटी की लगन और शौक को देखते हुए खतरों से खेलने की तैयारी के लिए घर में ही फिटनेस क्लब कायम किया हुआ है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।